संगीत सरिता संगीत सरिता। इस कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला डागर बानी में ध्रुपद दर्शन। हमारे आमंत्रित कलाकार विख्यात ध्रुपद गायक पंडित डॉक्टर ऋत्विक सान्याद। आपसे बातचीत की है रामकृष्ण दास ने। आइए सुनते हैं इस श्रृंखला की तीसरी कड़ी। नमस्कार, संगीत सरिता की इस तीसरी कड़ी में हम फिर से आपका स्वागत करते हैं। हमारे साथ हैं देश के सुप्रसिद्ध गायक, जाने माने ध्रुपद के कलाकार पंडित डॉक्टर ऋत्विक सान्याल। कल तक हमें ध्रुपद के 10 लक्षणों के बारे में जानकारी मिली। पंडित जी, आपसे हम अनुरोध करेंगे कि आगे की जानकारी हमें प्रदान करें। नमस्कार, कल हमने 10 लक्षणों की बात की, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम सबसे पहले गमक की बात करते हैं। वैसे गमक शब्द जो है प्राचीन शब्द है और इसका अर्थ गतिमान कोई भी स्वर या सुर लगाव या राग का चलन, वो गमक होता है। जहाँ गति हो, चलन हो, वो चलायमान हो, वो गमक है। और गमक में एक कंपन भी होता है, स्वरस्य कंपो गमक, ऐसा हमारे शास्त्रकारों ने कहा है। तो ये कंपन कई तरह के हो सकते हैं और हमारी डागर परंपरा में इसको विशेष रूप से दर्शाया गया है। ये विलंबित लय में भी संभव है और मध्य द्रुत में भी संभव है। रे रे ना रे ने ने रे ने ने रे ने ने ना रे ने रे ने ने रे ने आगे के स्वर पीछे के स्वर दोनों का सहारा लेकर हम गमक का प्रयोग करते हैं। रे ने ने री रे ने ने ते रे ने ना रे ने ने रे ने नू रे ने ने री रे रे ने ना रे ने ने तो ये जो है, ये परिपाटी जो है गमक का, किसी भी लय में संभव है। तर रन 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 आन ते दर रन री रन नू रन रे रन रन आन ते दर रन 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 री नन री नन रन 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 ते र रन रन री रन ना री रन री रन रन री नो नो रन 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 तो। आगे है लहक। लहक एक विशेष प्रयोग है, स्वर को चाबुक के तरह हवा में उछलना। बड़ा नाजुक काम है ये, और ये सिर्फ एक नाद का एहसास होता है स्वर के साथ साथ। ते ते रे ना रे ने ना रे ने ना 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 रे ने री नो रे रे ये लहक है। आगे बढ़ते हैं
हुदक, ये एक विशिष्ट प्रयोग है जो डागर परंपरा में विशेष रूप से इसको गाया जाता है। ये इसको हुम्फित गमक कहा है शास्त्रकारों ने। हुम्फित का मतलब है हूंकार, और वही आगे चल के हुदक बन गया है। इसमें श्वास को ऊर्ध्व गति में बलपूर्वक प्रयोग होता है। रे रे अंतिम कड़ी में है स्फूर्ति। स्फूर्ति का अर्थ है अच्छा लगना, स्फूर्ति। और ये प्रयोग पूरा जो आलाप जोड़ झाला, जहाँ अति द्रुत का जो छंद बनाते हैं हम आलाप में, उसमें स्फूर्ति का प्रयोग होता है। पंडित जी, ध्रुपद परंपरा में, डागर परंपरा में गुप्त प्रकट स्वर भी होता है, तो गुप्त प्रकट स्वर और इन लक्षणों पर एक कंपोजिशन आप हमारे श्रोताओं को सुनाएं। जी, डागर वाणी के प्रकट और गुप्त स्वर। प्रकट स्वर दो तरह के होते हैं, पूर्ण और अर्ध। अर्ध का तात्पर्य यहाँ आधा नहीं है, पूर्ण से छोटा। गुप्त स्वर तीन तरह के होते हैं, सूक्ष्म, अति सूक्ष्म और विश्रांति। हमारे भारतीय संगीत में विश्रांति का बहुत बड़ा महत्व है, जिसको हम साइलेंस कहते हैं। आज हम लोग साइलेंस को भूल रहे हैं। दो स्वरों की अंतराल में जो विश्रांति है, वो अत्यंत महत्वपूर्ण है भारतीय संगीत में। उसकी जो अनुभूति है वो हमें करना आवश्यक है। एक मैं रचना मैं सुना रहा हूँ राग भूपाली में। रे सुरलय भेद को बखान गुणी जन सब, सुरलय भेद को बखान गुणी जन सब, छंदरस ताल में, छंदरस ताल में आलाप गमक भर, आलाप गमक भर। सुरलय भेद को बखान गुणी जन सब, सुरलय भेद को बखान गुणी जन सब, छंदरस ताल में, छंदरस ताल में आलाप गमक भर, आलाप गमक भर। सुरलय भेद को बखान गुणी जन सब, सुरलय भेद को बखान।
परगट गोप्त स्वर, परगट गोप्त स्वर, डागुर धुर पद में, डागुर धुर पद में, श्रुति ज्ञान मन मोहे, श्रुति ज्ञान मन मोहे, उपजत अगणित कर, उपजत अगणित कर, सुरलय भेद को बखान, गुणि जन सब सुरलय भेद को बखान, सुरलय 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 भेद को भेद को बखान, सुरलय 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 भेद को बखान, गुणि जन सब छंद रस ताल में, छंद 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 रस ताल, ताल 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 सुरलय भेद को बखान, गुणि जन ताल 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 छंद रस छंद रस ताल 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 में सुरलय भेद को बखान, गुणि जन सब छंद रस ताल में, छंद रस ताल में, आलाप 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 आलाप, गमक भर गमक 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 भर आलाप, गमक भर आलाप आलाप, गमक गमक भर गमक भर गमक भर गमक भर, सुरलय भेद को बखान, गुणि जन सब छंद रस ताल में, आलाप गमक भर सुरलय भेद को, सुरलय भेद को, सुरलय भेद को बखान। पंडित जी, आपने सुमधुर गायन से हमारे श्रोताओं को ध्रुपद का रसास्वादन कराया है, हम आपके बहुत आभारी हैं। अगली कड़ी में हम सुर भेद और मेरुखंड के बारे में आपसे जानकारी लेंगे। श्रोताओं, इसी के साथ इस कड़ी का समापन करते हैं। डागर बानी में ध्रुपद दर्शन, इस श्रृंखला की ये थी तीसरी कड़ी। हमारे आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध ध्रुपद गायक पंडित डॉक्टर ऋत्विक सान्याल। आपसे बातचीत की रामकृष्ण दास ने। पखावज पर संगति कर रहे थे श्री ध्यानेश्वर देशमुख। इस कार्यक्रम को बनाने में हमारे तकनीकी सहयोगी वंदना ठाकुर और निखिल धामापुरकर। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन। Da ba da 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 da